अब भी इसमें केमिस्ट्री के जितने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनके वेटेज अच्छे खासे हैं जो नीट में ज़्यादा पूछा जाता है वो देखेंगे पिछले ईयर मैंने बताया था जेई नीट 2020 के लिए कि ये ये चीज़ कर लो अगर पी से सही ढंग से कर लेते तो 160 और 150 मार्क्स से कम नहीं आता अगर आपकी बेसिक अच्छी है तो जैसे जी का मैंने एक ए फोर साइज में मैंने दिया था तो उसमें बहुत किसी को लगा कि ये मैं सिलेबस बता रहा हूँ बट एक्चुअल में वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नेम थे क्रोमोटोग्राफी कभी भी नहीं पूछा गया था नीट का वो था ही नहीं जे जेईमएंस का था वो आप आई बटन क्लिक कर लेना या आप टेलीग्राम पे चले जाना आपको मिल जाएगा दिख जाएगा वो ए फोर साइज उसमें मैंने बोला भी था जे मैंस में ये पूछा गया है ये आ सकता है और वही जी सी में आपका क्वेश्चन पूछा गया था नीट दो में तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है एक जैसे पेपर अभी के आ रहे हैं एक सौ साठ ईजीली आ जाएंगे आपके एक भी क्वेश्चन अगर लगे ना इधर उधर का तो बताना मुझे समझे तो इसलिए सबसे पहले तो बहुत लंबा चौड़ा है इसका जो चैप्टर्स हैं और जो इसका सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा लेंदी है केमिस्ट्री समझो कि पी में सबसे ज़्यादा लेंदी है अगर कैम होगी आपका तो सारा कुछ हो जाएगा समझे फिजिकल में लेंथी वाइज नहीं तो टफ अगर देखा जाए तो हमेशा एज़ यूजल फिजिक्स ही होता है समझे इसमें फिजिकल में देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या है सबसे इम्पोर्टेंट है आपका केमिकल इक्विब्रियम सॉरी इक्ब्रियम उसमें आता है आयोनिक और केमिकल अगर ये कर लेते हो इक्लिब्रियम तो तीन क्वेश्चन कन्फर्म है कि नीट दो में आपका सॉल्व होगा हो ही होगा और क्या करना है आपको मालूम है अच्छे से मालूम है फिजिक्स इन प्लेग्राउंड पे कितना मेहनत किया हुआ है पहले से जेईम के सारे पेपर्स पेपर्स डले हुए हैं और वो पेपर्स एक बार सॉल्व कर लेना और बार बार बोलता हूँ कि यार सॉलिबिलिटी देख लो सॉलिबिलिटी देख लो एग्जाम से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सॉलीबिलिटी का देख कर के जाते तो वो क्वेश्चन गलत करके कर नहीं आते समझे तो इक्लिब्रियम कर लो थर्मोडाइनमिक्स कर लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लो केमिकल कैनेटिक्स सॉलिड स्टेट और एटॉमिक स्ट्रक्चर इतना कर लेते तो हो तो फिजिकल में बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आप लोग सही करके आओगे और कुछ करना नहीं है बेसिक बेसिक चीजें करनी है एक फार्मूला है उस फार्मूला पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं समझ में आ रहा है ना चाहूँ तो मैं 45 का 45 कम्युनिटी पे पोस्ट कर सकता हूँ क्वेश्चन के साथ अपना वीडियो लगा करके बट वही हो जाएगा फिर किसी को लगेगा शो ऑफ कर रहा और एपसेकट्रा एफसेकट्रा तो वो सब नहीं समझे इसलिए किया भी दस पंद्रह क्वेश्चन डाला बट उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया तो जो भी है वीडियोज़ डले हुए हैं कहीं से भी पढ़ो मतलब नहीं है कि आप पी आई पी के वीडियोज़ देख रहे हो या क्या कर रहे हो एन सी आर टी जेई मीन्स नीट के प्रीवियस ईयर जेई मीन्स और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एन सी आर टी ये तीन गो कंपल्सरी है उसके बाद आप दुनिया की कि किसी भी चीज़ को पढ़ना आप पढ़ो उसमें कोई रोक टोक नहीं है सारे अच्छे हैं समझ रहे हो ना सब कुछ अच्छा है बस आपको समझ में आना चाहिए अगर चीज़ें समझ में आ रही है आपको एक ए फोर एप्पल पढ़ाने वाला टीचर जो है ना वो सबसे बेस्ट होते हैं क्योंकि वो सबसे अच्छा समझा सकते हैं एक ऐसे बच्चे को जिसे कुछ भी समझ में नहीं आता समझे तो ऐसा समझ के पढ़ो कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो वो आपके लिए बेस्ट टीचर है तो वहाँ से कॉन्सेप्ट को समझो कहीं से भी जहाँ से आपको मिल सकता है यूट्यूब पर भरा पड़ा कोई भी टीचर ज़रूरी नहीं है कि एक ही टीचर का फॉलो करो कहीं से भी कुछ भी देख सकते हो समझे कॉन्सेप्ट को सीखो और समझो इन ऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग और पी ब्लॉक ये तीन कर लेते हो तो इनऑर्गेनिक का कहानी खत्म हो जाता है वहीं पे बचे खूचे हैं कुछ चैप्टर डी एंड ए फॉरेस्ट और मेटालॉजी मेरे नोट्स एक बार पढ़ लो एन पढ़ लो एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा समझे ऊपर के जो तीन टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी नोट्स वगैरह लेक्चर वगैरह सारा कुछ डला हुआ है एन एक बार जरूर रीडिंग लगा लेना केमिकल बॉन्डिंग का अगर थ्योरेटिकल पूछता है तो एन और थ्योरेटिकल नहीं आता तो पी के बाहर से वो पूछ ही नहीं सकता है ये कन्फर्म है चैनल डिलीट कर दूंगा मैं अगर बाहर से आ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगेन फिजिक्स इन प्ले ग्राउंड मोर देन इनफ है समझे वो कुछ बोलता हो ना तो उसका वर्ड का मीनिंग होता है समझे जैसे जी का स्टार्टिंग बताया मैंने पेपर दिया था तो उसमें बहुत किसी को लगा कि वो सिलेबस वगैरह सिलेबस वगैरह नहीं था उस समय भी बोला था मैंने कि क्रोमोटोग्राफी जे में पूछा गया पढ़ लेना और उसका कुछ मीनिंग था जब बता रहा था तब तो जी ओ हाइड्रोकार्बन हेलोजन डेरिवेटिव्स के बेसिक्स एकदम अच्छे से कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेलो हेलोअलकिनस और हेलो हेलोआरिनस आते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स में जी सी हाइड्रोकार्बन और आपका हेलोजन डेरिवेटिव्स ये तीन अगर सही हो गए ऑर्गेनिक में आपको कोई नहीं रोक सकता कितने भी टफ से टफ क्वेश्चन पूछ लो आप करके आओगे वहाँ पे क्यों क्योंकि होंगे चैप्टर्स के क्वेश्चन पर पूछे जाएंगे उसको रिलेट किया जाएगा या डिराइव किया जाएगा जी और हाइड्रोकार्बन या हेलोजन डेरिवेटिव से मेनली जी से उसे डिराइव किया जाएगा समझे और अगर आपको मालूम है कि ये रिएजेंट ये काम करता है मैंने डाल रखा है पी पी पे सारा आपको कैटलिस्ट का काम मालूम है तो जाहिर सी बात है कुछ भी दे दो भाई किसी के साथ रिएक्ट करवा लो जो कैटलिस्ट का काम है ना वही करेगा प्रोडक्ट आपके सामने हो गए समझ <laughs> सॉरी समझ रहे हो ना फिर अल्कोहल फिनॉल इथर एल्टीहाइड केटोन कार्बोक्सिलिक ये इतना लंबा चौड़ा करते हो तो पांच क्वेश्चन मैक्सिमम आपके आएंगे यहाँ से और पांच क्वेश्चन बनाने आपको नेमिंग रिएक्शन वगैरह देख लेना हो जाएगा पॉलीमर बायोमोलिक्यूल्स और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक क्वेश्चन मस्ट है 2021 में हर तीन चैप्टर है हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे तीन क्वेश्चन यहाँ पे अब देख लो कि इसका क्या वेटेज है ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा ऐसा नहीं होता है कि फिजिकली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फोर्टी फाइव क्वेश्चन आने हैं तो तीनों से पंद्रह 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 क्वेश्चन पूछा जाए नहीं एग्जामिनर ऐसा कभी देख करके नहीं बनाता मे बी इनऑर्गेनिक सेवेंटीन क्वेश्चन दे दे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से टू थाउजेंड एट्टीन में पाँच क्वेश्चन पूछा था तो कभी भी कुछ भी हो सकता है कुछ भी पूछ सकता है वो लोग जी और हाइड्रोकार्बन से दो में नाइन क्वेश्चन आए थे टोटल कितने क्वेश्चन आए थे नौ समझे तो इसलिए सारे चैप्टर्स अच्छे से करना स्टार मार्क किया हुआ है इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ उतना कर लेते हो तो, तो डेढ़ सौ से एक सौ साठ स्कोर करके आओगे सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ़ लक फॉर योर एग्जाम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में